केदल सिंह कंसाना को बीजेपी से बहुमत जनता ने दिया है, वो हमारे साथ है, उनसे ही जानते हैं। सर, क्या प्लानिंग रहेगी अब सरकार? सबसे पहले तो एमपी तरफ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या प्लानिंग रहेगी अब? जनता की सेवा। बीजेपी की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, क्या इस बार फिर से मंत्रिमंडल में चुनाव होगा? जो हाईकमान हमें निर्देश करेगी, जो दायित्व देगी, उसका निर्वहन करेंगे। अच्छा, सुमावली विधानसभा देहात इलाका है, अब क्या प्लानिंग है कि उसको मतलब शहरी उसमें लाया जा सके? हालांकि नगर निगम में आ चुके हैं उनके कुछ वार्ड। देखिए, वार्ड नगर निगम में आ तो चुके हैं, लेकिन मेरे इलाके में जो मूलभूत मुख्य समस्या है इंडस्ट्री की, हम मेरी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि हमें सुमावली विधानसभा क्षेत्र में हम इंडस्ट्री लगाएंगे, और जो हमारे नौजवान लोग बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं उनको वहीं रोज़गार मिले, ऐसी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, आपने हमेशा कहा है कि अपने यहाँ बड़ा रोज़गार भी हो सकता है, रेत हो या पत्थर हो, तो इसकी खदानें खुलवाने के लिए क्या आप प्रयास करेंगे सरकार से? खदान खुलने की ऑलरेडी प्रक्रिया जारी है, सिर्फ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने NOC, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल को NOC के लिए भेजा है, और बाकी वहाँ से NOC होना बाकी है। जैसे ही NOC हो गई, हमारे यहाँ खदान खुल जाएगी, टेंडर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये थे पूर्व मंत्री केदल सिंह कंसाना जी, जो उनका साफ कहना है कि वो रोज़गार सुमावली में ज़रूर लाएंगे, बाकी का चाहे खदान का मामला हो, रेत की चाहे पत्थर खदान का मामला हो, ये सारी चीज़ें वो एक बार सरकार से पुनः उनको खदानों को खोलने के लिए प्रयास करेंगे। दुष्यंत शिकरवार, MP तक, मुरैना।